अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ BRTS ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਲੜਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ इस संबंधी पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए दसिया कि माल रोड नजदीक BRTS बस हेठ 19 साल लड़की आ गई और लड़की एक्टिवा से सवार सी। इस मौके बुरे तरीके नाल जख्मी हो गई। BRTS बस के विच ही नजदीकी प्राइवेट हस्पताल विच लिया के दाखिल करवाया गया। उन्होंने कहा कि लड़की की हालात गंभीर है और लड़की के परिवारिक मैंबर नाल भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। श्रीमान जी, असी नावल्टी चौंक मौजूद सी ते सानू उत्थे पब्लिक द्वारा मैसेज मिलिया भी एक BRTS प्रोजेक्ट ने एक बच्ची जिहड़ी आ उहदे थले हैगी आ। असी फिर उत्थों नावल्टी चौंक तो BRTS प्रोजेक्ट वाली जिहड़ी साइड आ उत्थे पहुंचे आ। मौके ते पहुंच के पब्लिक बहुत ज़्यादा सी ते बच्ची नू जिस बस ने एक्सीडेंट किया वा उस बस के पब्लिक के सहयोग के नाल लैके ते ज़्यादा कंडीशन खराब होने करके नीरोपुर हॉस्पिटल लैके आए हैं। ये लड़की इस वे जेरे इलाज है तो जोड़ा BRTS प्रोजेक्ट का ड्राइवर है उन्होंने असी मतलब कि भी कब्जे से ले लिया, बस भी कब्जे से ले ली। जो एज पर ला जो कानून के अनुसार बनती कार्रवाई है सीनियर अफसर की नॉलेज से वा लिया के बनती कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की कंडीशन ये ठीक है, डॉक्टर साहब इस तुम बेहतर दस सकते हैं लेकिन हाले सानू अलाउ नहीं किया जा रहा अंदर जाना, वह ट्रीटमेंट चल रहा। हाँ फैमिली मैंबर वो मतलब कि भी फोन पर संपर्क किया वा तो उस लड़की के मतलब कि भी जो ब्रदर ने वो साढ़े को प्रेजेंट ने साढ़े नाल ही है।